Hey, what's up, guys? हम है आपके जुड़वाज सुशांत देशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जुड़वास टीवी जो है वो हर एक जॉनर का और हर एक लैंग्वेज का चैनल है, तो इसमें कोई भी लैंग्वेज छूटता नहीं है और कोई भी जॉनर नहीं छूटता, ठीक है। तो उसके वजह से कोई कोई गानों के लिए हमारे से लेट हो जाता है। तो वैसे ही ये वाला गाना जो था कोल्ड आर्स, ये मीम में ज्यादा फेमस हुआ था, सिर्फ उतना ही लाइन, तो मैंने पूरा नहीं सुना था, सिर्फ लाइन था, मुझे नहीं पता, सुने नहीं देते मुझे, पता पूछना ऐसा जो था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो यार पूरा सुना नहीं है तो अभी सुन लेते हैं, तो आप भी जिसको पसंद है वो सुनेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं वही बोलूंगा। बट अभी हम लोग बैक टू बैक आ रहे हैं, अगर हमसे और भी कोई हिप हॉप ट्रैक्स छूट गए होंगे तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग जरूर रिव्यू करेंगे। तो सीधा गाने पे आते हैं, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो, और आपका फेवरेट लाइन जरूर इस कमेंट सेक्शन में बताना हमको, तो हम लोग जरूर आपका पढ़ेंगे, हमको भी पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो अपना फेवरेट तो बताती है। तो चलो आते पढ़ते भाई, पूरा पढ़ते कमेंट्स लगा दो, क्योंकि आपकी कमेंट के वजह से ही तो ये कर रहे हैं ना। बिल्कुल, नहीं तो पढ़ते ही है, पता तो भी चलता था नहीं तो। हाँ चलो यार आते हैं। ये इतना कॉमन एलिमेंट है ना ये वाला जो बज रहा है, वो ये गाना पहली बार सुन रहा हूं मैं, अब तक उतना ही लाइन सुना था। बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा, दो घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं, मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे के मैं सुनू सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा, जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले ही सब खो चुका हूँ, अब क्या खा अकेलेपन में लगता है पूरी रात रो दूंगा मैं तेरी याद में, असलियत से भाग के जाऊंगा कहां मैं, मुझे बस बता दे आज ये जिंदगी तमाशा जो कमाता वो उड़ाता चंद बचाता, क्योंकि इधर काफी पेश होते हाथ से अलीम के दर गायब हो गए हो, ना खुद से करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो, सोशली इनएक्टिव इंटरएक्टिव नहीं हो, जरा ऐसे नहीं थे पहले, जाना क्या से क्या हो गए हो, जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान जिनकी वजह से बदलना पड़ा खुद को, मुझे पूरा पड़ा दिखने के चक्कर में वो जताते थे एहसान, वो भी बात बात पे, वो भी बात बात पे, एक पत्था काफिले में लड़के आठ आठ थे, अब आठ माइनस चार मैंने चार कर दिया, दो सर्कल से मैंने भार कर दिया, लाइफ इज गुड व्हेन आई टॉक टू माय सेल्फ डेली। ये बात सही बोला बंदे ने, बात सही बोला, आठ से चार कर दिया। हाँ आठ से चार कर, अरे चार से अपन जीरो कर दिए, जीरो कर दिया अपन, क्योंकि बात कर हम लोग जीरो इसलिए कर दिए गाइज, हमारे वैसे भी सर्कल नहीं था हमारा कभी ज्यादा, बट मेरे को जैसे देखो आप थोड़े थोड़े से ना बड़े हो जाते हो, या आप थोड़ा सा काम करना चालू करते हो, या पब्लिक के लिए काम करना चाहते हो, अपने को ना पता चल जाता है कि अपना कौन अपना यूज करने के लिए दोस्ती कर रहा है और कौन रियल दोस्त है। चाहे ये बात मैं पहले भी लागू करता हूँ मेरे लाइफ में, मेरे को पहले पता नहीं चलता था, अभी मेरे को बात समझती थी, अब समझ रही है कि यार मेरा यूज होता था वो टाइम पे, वो लोग स्ट्रगल के वक्त साथ नहीं थे, हाँ वो तुम्हारा यूज करते थे क्योंकि तुम्हारे पास घर था, बिल्कुल अकेले रहते थे तो उनको पार्टी करने को मिलता, बिल्कुल नॉर्मली, मतलब किसी को सारी बातें, उनकी गर्लफ्रेंड लाने को मिलता नॉर्मली, आपको पता है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लोग दोनों मुंबई में अकेले रहते थे और हमारा अकेला ही, मतलब एक ही घर था और बड़ा था, अच्छा तो जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था, बिल्कुल मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को अभी समझ में आता है कि यार वो लोग एक्चुअली मेरे साथ में नहीं थे, वो हमारा यूज कर रहे कि उनको दारू पीने को मिलता है। इसने उधर जो बंदे ने बात किया है वो एक्चुअली सही है, और ये गाने के लिरिक्स अच्छे, जो अपना आर्टिस्ट है लिरिक्स अच्छे है, ऑटोट्यून छोड़ के, हाँ ये सब छोड़ के, हाँ समझ रहे, लिरिकली अच्छा है ये, और मतलब आप ऐसा ये कर सकते, हाँ यार हाँ बहुत सारी बातें ऐसा लग रहा है, सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है भाई, वो आठ से चार तो हुए थे मेरे, अभी चार से भी हम दोनों ही बच गए अभी, मैं सच बता रहा हूँ, सही बात है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, सही है।
अभी जो भी हम लोग जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट से मिले थे ना, हम लोगों ने डिस्कस भी किया। बिल्कुल सही बात, बताएंगे जरूर। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल, तो ऐसे ये सही होते रहते हैं, सबके साथ होता है, सबके साथ होता रहता है। गाइस टाइम के साथ साथ अपन साइड में हो ही जाते, वो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सब पता चलेगा। या आपके लाइफ में दुख आने दो, अगर बहुत लकी हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी दोस्ती भी तगड़ी है, आपका दोस्त भी सब सही है। अगर कुछ आप वेले हो, कुछ नहीं कर रहे, कोई ध्यान नहीं देता, अच्छा लगा रहे भाई। और दूसरी बात कि बहुत जैसे कोई कोई मिसाल देते, ऐसे मीम मत देखिए, अरे इसके जैसा भाई, इसके जैसा दोस्त चाहिए, कुछ नहीं। वो भी फेमस है इसलिए भाई की बात नहीं कर रहा मैं, दोस्त की बात। भाई तो अपने ही रहते भाई, बिल्कुल समझ रहे हो, मैं खून की बात नहीं कर रहा मैं। सही बात है, अगर तो दोस्त, अगर आप लकी हो तो एक आध मिल गया तो मिल गया जो जय वीरू जैसे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर छोड़ो यार। ये मैंने ये मेरा ये बता रहा हूँ मैं, मेरी पर्सनल जो मैंने फेस किया है वो बता रहा हूँ, बाकी आपके इसमें हो भी सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, वो उतनी सी बात पे देखो कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ ऐसा रहता है, चलो बड़े अच्छा लिखा। चलो यार अब क्या खाक को दूंगा, अकेलेपन में लगता है पूरी रात रो दूंगा, मैं तेरी याद में असलियत से भाग के जाऊंगा कहां मैं, मुझे बस बता दे आज ये जिंदगी तमाशा जो कमाता वो उड़ाता चंद बचाता, क्योंकि इधर काफी पेश होते हाथ से लीम के दर गायब हो गए हो, ना खुद से करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो, सोशली इनएक्टिव इंटरएक्टिव नहीं हो, जरा ऐसे नहीं थे पहले, जाना क्या से क्या हो गए हो, ए किधर गायब हो गए हो, देखते देखते दुनिया की तुम वाइब हो गए हो, इजीली दो गाली देकर आ सकते तुम आगे, पर तुम आना नहीं चाहते, बड़े नाइस हो गए हो, कब से मेरी जान, जब से मिले जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान, जिनकी वजह से बदलना पड़ा खुद को मुझे पूरा पड़ा, दिखने के चक्कर में वो जताते थे एहसान, वो भी बात बात पे, वो भी बात बात पे, एक पत्ता काफिले में लड़के आठ आठ थे, अब 8-4 मैंने 4 कर दिया, धोखेबाजों को सर्कल से मैंने बाहर कर दिया, लाइफ इज गुड व्हेन आई टॉक टू माय सेल्फ, डेली रात में सहन में सवाल, 36 घूमे तेरी याद में, गेनिंग ऑल दिस मनी एंड आई एम गेटिंग ऑल दिस फेम, मुझे डर लगा रहता है कहीं भूल ना जाऊं औकात में, निकल ना जाऊं हाथ से फिर से एक और बार, मैं और नहीं है हिम्मत के अब सा हूं एक और हार, मैं मसले ये जमीन पे सुलझ नहीं रहे मुझसे, और ये मैसेज करके कहते अली मार के तू स्टार है, सबको मुझसे खार है, दुनिया बड़ी लानती, गोना बी ऑन टॉप, मेरे विजन को नहीं जानती, चुप रहता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिखता नहीं है, खुद ही खुद को बना रहे हो, इफ यू थिंक आई कांट सी, फील्स लाइक आई एम बॉर्न टू बी लोनली, रोज ये अंधेरा करे परवा मेरे जोन की, रोज ये अंधेरा मुझे देता है अंदेशा, जो तू डूबा इन गहराइयों में तो आदत छुट्टी फोन की, एंड सोशल खुद से बात करूं रोज मैं, बंद करूं आंखें लगे रहूं होश में, कम करूं बातें रखे कम, बंदे क्लोज मैंने के करीब बात से रुवीनी का तू दोस्त है, इंट्रूड आई जस्ट कांट पिक अ साइड, दोनों तरफ इधर जलन, दोनों तरफ इधर लाइज, दोनों तरफ इधर ईगो, दोनों तरफ से मैं नाइस, दोनों तरफ मैं नहीं देखूं, मेरी आईज ऑन द प्राइज है, उम्र 20 बट आई स्वेयर ज़हन 30 का, पहले दिन से रियल भूखा नहीं था कभी रीच का, पहले दिन से फियर मुझे गिरने का रहा नहीं, कॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, ये तो मैं भी मान गया, ये तो जुड़वाज भी पहले से गिरने का ये नहीं है, क्योंकि मैं रीच का ये नहीं था। कुछ कुछ मैं कमेंट देखता हूँ ना, कभी कभी बोलते हैं कि यार व्यूज आए, जुड़वाज आ गया, भाई तुम क्या कर रहे हो यार, कितने कितने गाने ऐसे भी किए हम लोगों ने, ऐसे ऐसे गाने हैं जो इतने, अभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है उसमें अभी 23,000 व्यूज है मेरे को, क्यों किया फिर मैंने, मैं व्यूज के लिए भाग, मैं तो व्यूज के लिए भागता ना, मैं आर्टिस्ट के लिए भागता हूँ, व्यूज के लिए नहीं भागता। सही बात है, मैं चाहता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट अच्छा गाना है उस आर्टिस्ट का गाना मैं सुनूं। बिल्कुल, रीच के चक्कर में मैं, अरे ऐसे कितने गाने यार, अभी के अभी चैनल चेक करो कितने गाने आपको दिखेंगे, अभी मैंने एक पंजाबी गाना पुराने किया था, बिल्कुल इतने कम व्यूज है, बिल्कुल व्यूज के लिए किया, व्यूज के लिए नहीं किया नहीं। एक तो बात है, अच्छा ये बंदे ने ये अच्छा खासा धोखा खाया है बंदे ने, अपने जैसे ही अच्छा, अपन ऐसे अच्छा खासा धोखा खाया तब जाके ये इतना तगड़ा लिखा बंदे। अभी अभी हम लोग, मैं बोलता हूँ यार ये हमारे साथ हुआ है ऐसा वैसा, बहुत सारे गानों में हम लोग ऐसा बोलते, तो एक कमेंट देखा था यार इनके साथ सभी गाने से रिलेटेड होता है, मैं उसका आंसर देना रहा हूँ, इसका ये है कि हम लोगों ने इतना देख लिया है कि हर एक चीज हम लोगों ने ये की है। सही बात है, सब सब कुछ
बहुत धोखा खा रहे, सब कुछ धोखे दे के फिर हमको ये दिया है अभी जो आपके सामने खड़े है, तो सब टाइप का एक्सपीरियंस लिया तो होता है। वेरी नाइस, ऐसे गाने बजते तो मजा हमारी निकल जाती है, खुद का ही निकल जाता है। मैं भी सोचने लग गया था ना, हाँ मैं भी, हाँ चलो ठीक है, क्या गया गया अभी जान दे, अभी दो ही छे काम करेंगे बस हो गया, बिल्कुल वेरी नाइस। Thing I can't see, feels like I am born to be lonely. Roz ye andhera kare parwa mere zone ki. Roz ye andhera mujhe deta hai andesha. Jo tu dooba in gehraiyon mein to aadat chhutti phone ki. And social khud se baat karu roz main. Band karu aankhein lage kam rahu hosh main. Kam karu baatein rakhe kam bande close. Maine haske kari baat se rubhiyani ka tu dost hai. And rude I just can't pick a side. Dono taraf idhar jalan, dono taraf idhar lies, dono taraf इधर ईगो, दोनों तरफ से मैं नाइस, दोनों तरफ मैं नहीं देखूं, मेरी आईज ऑन द प्राइज है। उम्र 20 बट आई स्वेयर ज़हन 30 का, पहले दिन से रियल भूखा नहीं था कभी रीच का। यार ये भी बंदे ने सही बोला, और 20 का है ये, पर इसने 30 वाली बात तो की। बिल्कुल बिल्कुल, हां हां सीरियसली ये बंदे ने वैसी बातें किया है। नाइस, वेरी नाइस, अच्छा बोला है, अच्छा बोला है, अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला। 20 का है और 30 वाली बात कर रहा है, वाली बात कर रहा है, बिल्कुल। नाइस भाई को मीम 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 में फेमस किए, बट जो भी है बोल के अच्छा गया भाई, बोल के अच्छा गया, भले उसने जो मीम में मीम से फेमस हुआ, बट हाँ, ये गाना जो है एक्चुअली हाँ, अच्छा गाना, पूरा गाना मतलब मीम के ऊपर ही मत जाओ। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, पूरा गाना सुना करो। हम लोग हाँ, हम लोग जब सीरीज चलाते हैं ना कि ये रील्स पे फेमस हो रहा है, तो और ये वो पूरा गाना लेके आते, क्यों? क्योंकि हमको देखना रहता है आजकल कुछ कुछ आर्टिस्ट है, क्या बोलने का भी, साले रील्स पे, सिर्फ रील्स पे करने का सोचते, पूरा गाना गंडस रहता, बिल्कुल पूरा गाना ऐसे रहता, बट रील्स में 15 सेकंड का ऐसा बनाते, ऐसा बनाते कि जैसे बस मजा ही आ जाए बस। बट यार वेरी नाइस ये गाना, ये गाना अच्छा है, दूसरे गाने का क्या बात कर रहा है, ये गाना अच्छा है, ये इसमें लिखा भी अच्छा है, वो गाने का क्या तू सोच रहा है, ये गाने में कितना लिखा अच्छा है भाई ने। तो ये जो हमारे भाई है अली मर्क, तो मतलब भाई ने जो है बहुत अच्छा लिखा भी है, बहुत अच्छा ऑटो ट्यून छोड़ के म्यूजिक भी बेसिक था, कोई ऐसा ये नहीं, बट हाँ लिखा लिखी अच्छा, अच्छा ऐसा भी नहीं कि लिखा बहुत यूनिक है, हाँ लिखा भी रेगुलर ही है, बट इतना रियल लिखा है कि जैसे आप अच्छे जो जगह पे जो लाइनें चाहिए थी वो बखूबी दिए है, तब जाके वो हिट कर रही है, समझ रहे हो, इसलिए ये सही लगा सुनने को भी, बढ़िया यार, सही सही मजा, अच्छा मजा आया, ऐसे ही मचाते रहो, बाकी भी आपका काम जरूर सुनेंगे हम, बिल्कुल ये अच्छा है, तो बाकी भी, बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया हुआ तो माफ कर देना, बाकी कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।